हेलो दोस्तों, मैं आपको विजय और आप देख रहे हो विको फिटनेस। आज मैं आपको वर्कआउट बिगिनर ओपन पैन का सिक्स्थ डे आपको क्या करने में अभी सिखा दूंगा। और यहाँ पे पहला एक्सरसाइज आपको करना है बर्पीस, उसके बाद स्क्वाट्स, उसके बाद रनिंग कर रो। तीसरे एक्सरसाइज आप डे वन डे टू डे थ्री में किया हो, आपको सेम एक्सरसाइज आपको करना है। उसके बाद आपको गोरिल्ला स्क्वाट करना है, उसके बाद आपको ग्लूट प्रेस करना है, उसके बाद आपको डाउनवर्ड डॉग टो टचेस आपको करना है, उसके बाद डेड बग करना है। डेड बग कर चुके हो ऑलरेडी, वही आपको करना है। उसके बाद आता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, वो आपको करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज है गोरिल्ला स्क्वाट। तो मैं यहाँ पे अपना पहला थ्री एक्सरसाइज में एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप डे वन डे टू डे थ्री में जाके आप देख सकते हो। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डे वन से आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको पता है आपको कैसा करना है, आप कर सकते हो। सो अभी मैं स्टार्ट करूंगा गोरिल्ला स्क्वाट से। गोरिल्ला स्क्वाट होता है ग्लूट और हैमस्ट्रिंग के लिए ज्यादा। और यहाँ पे आपको शोल्डर से आपको रखना है आपका लेग्स, उसके बाद आपको टोर को आपको टर्न करना है, उसके बाद आपको हाथ अंदर से लेके आपको ऐसा बैठना है। सर बैठने के बाद आपको चेस्ट आपको अपर आप रखना है और शोल्डर भी आपको पीछे लेना है। और यहाँ पे मैं ऐसा रखना है, आपका लोअर बैक आपको स्ट्रेट रहना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हिप से आपको आपको हिप उठाना है, आपको हिप आपको लोअर बैक स्ट्रेट होना चाहिए। आपको लोअर बैक जैसे कि होता है आपको हिप और हैमस्ट्रिंग में आपको प्रेशर फील नहीं होगा, इसलिए आपको लोअर बैक स्ट्रेट रखना है, चेस्ट आपको हफ्ते रखना है। और हाथ को आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हाथ ऐसे पकड़ के रखना है आपको पेट से, उसको आपको हिप से आपको हिप आपको क्या करना है, हिप साइड बैठना है पहले, उसको हिप आपको उठाना है। उसके बाद यहां से उठा सकते हो, उसके बाद आपको नी से आपको प्रेशर डालना है, ऐसा पकड़ के आपको नी को स्ट्रेट करने को सोचना है। स्ट्रेट करने के लिए आपको ट्राई करना है, तब आपका हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच करा है। आपको ऐसे ही करना है, वन रिपीटेशन है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये बहुत मुश्किल है आपको ये ट्राई करने में। अगर आपको ये ट्राई करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो ये तो एक्सरसाइज तो बहुत इतना इजी तो नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, वरना आप ये कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं हो रहा है तो आप फॉरवर्ड बेंड करके आपको इसको बेंड करना है, उसको आपको इसको स्ट्रेट करने के लिए सोचना है, इसको स्ट्रेट करने के लिए ट्राई करना है, इतना ही आप कर सकते हो। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें भी आपको घूटो हैमस्ट्रिंग में वर्कआउट होता है, यह टाइप टू है। उसके बाद आता है ग्लूट प्रेस। ग्लूट प्रेस में भी टू टाइप्स है, एक आप लोअर बैक पे ज्यादा फोकस करके आप कर सकते हो, और एक होता है आपको ग्लूट को फोकस करके आप कर सकते हो। मैं दोनों में भी दोनों अभी सिखा दूंगा आपको। पहले आपको ग्लूट प्रेस में आपको ऐसा करना है, और ग्लूट प्रेस में भी बहुत सारे वेरिएशन है, पैर ऐसे रखने का करता है, पैर ऐसे रखने का करता है, मगर आपको ध्यान रखना है अभी छोटे से आपको रखो, इसको थोड़ा दोस्तों और टर्न करो। उसके बाद यहाँ पे आपको चेस्ट को आप रखना है, बैक को स्विच करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखना है, अगर आप हील को इसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में प्रेस करना है आपको, मगर ये हायर नहीं जाना, प्रेस करके आप उठा रहे हो तो ज्यादा प्रेशर आप हील से प्रेशर प्रेस करके आप उठा रहे तो ग्लूट और ग्लूट पे ज्यादा फोकस आता है और हैमस्ट्रिंग ज्यादा फोकस आता है। वरना आप मान लो आप शोल्डर को फोकस करके शोल्डर से आप उठा रहे हैं, ऐसा आपको लोअर बैक में ज्यादा प्रेशर फील होता है। मैं आपको कहता हूं आप चार सेट करो, एक दो सेट आप हिप डोमिनेट करो और दो सेट आप शोल्डर डोमिनेट आप कर सकते हो। मैं अभी दोनों से कर रहा था, अभी मैं करूंगा, इसमें थोड़ा डिफरेंस तो नहीं रहेगा, अगर एफर्ट में डिफरेंस आपको लगेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अभी हील को प्रेस करके ग्लूट को उठा रहा हूं, इतनी आता है। ग्लूट को आपको यहाँ पे स्क्वीज करना है, उसके बाद आपको स्लोली नीचे लेके जाना है, ऐसा ही करना है आपको, हो सके तो आपको होल्ड करके उसके बाद आपको ऊपर ऐसे लेना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप
ज्यादा स्वीज कर सकते हो तो थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा, थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पे आएगा और थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा आपको। ये होता है टेक वन। और टेक टू आपको क्या करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है, आपको लोअर बैक पे फोकस करना है। तो आपका पैर एक्सटेंशन भी इतना डिस्टेंस में आपको रखो पैर, उसके बाद आपको क्या करना है, शोल्डर से आपको उठाना है, शोल्डर को प्रेस करो, यहां पे फोकस करो, यहां पे उठाओ, तभी आपका लोअर बैक में ज्यादा प्रेशर फील होता है। ये होता है टाइप टू, ग्लूट्स भी जैसा आपको करना है। उसके बाद आता है डाउनवर्ड डॉग टो टचर्स, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपको, ये भी आपको इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। यहां पर आपको पहला आपको डाउनवर्ड डॉग पोजिशन में आना है। डाउनवर्ड डॉग पोजिशन कैसा होता है, आपको यहां पर आके ऐसा होना है, आपको इतना आपको डाउनवर्ड डॉग पोजिशन यह होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, टो टच करना है और इतना हो सके तो आप इतना करो। उसके बाद आपको आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मिस्टेक मैं बता देता हूँ, मिस्टेक क्या करता है लोग, सिर्फ हाथ देते हैं, देखो मेरा बॉडी यहाँ पे है, सिर्फ हाथ दे रहा हूं, ये मिस्टेक है। आपको क्या करना है, आपको बॉडी आपको स्विंग करना है थोड़ा बैक और ट्विस्ट करना है आपको ऑफिस को, तो आपका हाथ में फील होता है। आपका अपर बॉडी को आपको लेके जाना है क्लोज। ये होता है डाउनवर्ड डॉग टोटचेस। उसके बाद आता है ताकि डेड बग, डेड बग तो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार कभी सिखा दूंगा। हेड आपको कैसे करना है, ऐसा रख के आपको ऐसा रखना है, उसके बाद आपको अल्टरनेट लेना है, आपको उसके बाद आपको लेके आना है, ऐसे स्ट्रेट लेना है, उसके बाद सॉरी कंफ्यूजिंग है थोड़ा, यस। और यहां पे इस एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत आप डिफिकल्ट भी कर सकते हो, मैं भी सीखा था कैसे करना है आपको। आपको इसके लिए फिजियो बताया एक्सरसाइज बल चाहिए आपको, वो क्या करना है यहाँ पे, तो इन बिटवीन आपको आपको ये बॉल को होल्ड करना है, ऐसा होल्ड करना है, ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, इसको होल्ड करना है आपको। ऐसा करना है आपको, अगर आपको नॉर्मल बॉल आ रहा है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत बहुत इफेक्टिव है। इतना ही है आपको टेनिस में इनको इतना ही करना है, उसके बाद आपको स्टडी टीचिंग आपको करना है। और डे सेवन में तो आपको रेस्ट है, और वीक में आप किसी भी दिन आप रेस्ट ले सकते हो। और इतना ही वर्कआउट प्लान, डे सिक्स का भी कंप्लीट हो गया अभी।
और इसी वर्कआउट में आपको मैं पहला दिन में बताया था आपको, आपको फिजिकल एक्टिविटीज तो है घर पे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स में हो, आप इसको 2 वीक्स फॉलो करो बस इतना काफी है, उसके बाद आप लेवल 2 पे जा सकते हो। और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है आप इसको 6 वीक तक आपको फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना आपको मत भूलना। और इसके बाद लेवल 2 का वीडियो मैं 1 महीने के बाद अपलोड करूंगा, तो तब तक आप ये फॉलो करो। और आपको फिटनेस देने के लिए मेरा तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय बाय।